होशंगाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हल्के में सबसे साफ सुथरा हॉस्पिटल, मरीजों को मिल रही है घर सुविधा। कुरुक्षेत्र के हल्का है शाहबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की साफ सफाई व्यवस्था को देखकर मरीजों ने भी माना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल प्रशासन, स्टाफ और सफाई कर्मचारी अस्पताल की सफाई व्यवस्था को लेकर काफी सजग है। CHS के CMO डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था व अन्य प्रकार के कार्य निरंतर जारी है। अस्पताल में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने से मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बताया कि लगातार उनकी ओर से अस्पताल में औचक निरीक्षण भी किया जाता है। किसी भी प्रकार अनियमितता का अगर कर्मचारियों द्वारा ढील बरती जाती है तो उचित कार्यवाही की जाती है। जो 24 हमको डिवाइड किया हुआ है, तो सुबह हमारे पास 5 लोग आते हैं, इवनिंग में 2 लोग आते हैं, नाइट को 2 लोग आते हैं। तो हमारी साफ़ सफाई काफ़ी हद तक अच्छी है। हम हर बात का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो, जहाँ से एटलीस्ट इन्फेक्शन ना हो। तो मेरे हिसाब से जो अब भी आप देख सकते हैं, सब कुछ हमें बिल्कुल साफ़ सफाई है। इतनी मैंने किसी अस्पताल में नहीं देखी। दूसरे बाहर भी जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं है। हमें कोई भी कमी नहीं छोड़ते सफाई की। तो हमारी बेडिंग शीट डेली चेंज होती हैं, मॉर्निंग पे सुबह 8 बजे डेली चादरें चेंज होती हैं और डेली उनकी डस्टिंग की जाती है। आज तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई किसी पेशेंट की, किसी तरह की कोई सफाई ना हुई हो, डस्टबिन खाली ना हुआ हो, ना कोई गंदगी हो। कोरोना को जैसे हम लोग यहाँ वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेशन से पहले हम अपनी तीनों चीज़ें जो कि आप भी जानते हैं, हम सब अखबारों में पढ़ते हैं, एक रूल बन चुका है कि आपने हाथों की सफाई रखनी है, मास्क पहन के रखना है, दूरी बना के रखनी है। तो जो मरीज भी हमारे पास आते हैं, दिन में पेशेंट आते हैं 200 या 300 या हमारे एम्प्लॉई भी हैं, तो हमने गेट नंबर 1 पे सैनिटाइज़र फोटोप्लेटर लग रखा है वहाँ पे, उसके बीच हम डेली सैनिटाइज़र डाल देते हैं। पेशेंट जो भी एंट्री करता है गेट पे, पेशेंट हो चाहे कोई एम्प्लॉई हो, पहले वो हाथ सैनिटाइज़ करके फिर एंट्री करता है, सैनिटाइज़ करता है। तो बन चुकी है रूटीन, बन चुकी है, जिससे इन्फेक्शन में काफ़ी कमी आई है। अब तो हम जैसे आज 500 हमने सैंपल किए हैं, बीच में RT-PCR प्लस रैपिड। 500 में जो हमारे पास रैपिड के हैं 250, उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं आया, सब नील हैं, सब नेगेटिव हैं। ये है इंडिकेटर कि हमारे पास इन्फेक्शन कम हो रही है। वैक्सीनेशन आज हमने 600 बेनिफिशियरी को वैक्सीन लगाया है, 300 हमारा यहाँ लगा है, 350 हमारा कैंप लगाया था, कैंप जो हमारे पास एक सतलुज स्कूल से आया था कैंप की डिमांड, वहाँ हमने आज कैंप लगाया था। वहाँ 250 बंदों को बेनिफिशियरी को हमने वैक्सीनेट किया है और 350 करीब हमने CSC में किया है। इस तरह से वैक्सीनेशन भी कंटिन्यू चल रही है, सैम्पलिंग भी पैदल में चल रही है और हम अपना साफ़ सफाई का ध्यान भी रखा जा रहा है। तो इन्फेक्शन बिल्कुल जीरो के बराबर आ गया। देखिए, साफ़ सफाई का जहाँ तक सवाल है, हमने रेगुलर में ही एक रूटीन बना रखा है कि टैंकियों की सफाई 6 महीने में करनी है। अब जितनी भी ऊपर टैंकियां हैं, हमने घास फूस सब साफ़ करवा दिया है, टैंकियों को साफ़ करवा के उनके ऊपर डेट ऑफ क्लीननेस लिख दिया है और नेक्स्ट डेट ऑफ कब आनी है वो भी हमने उसमें मेंशन कर दिया। तो हर एक टैंकी पे मौजूदा अभी भी आप देख सकते हो। हमने मिनिस्टर साहब को, हमने हायर अथॉरिटी को ये रिपोर्ट भी भेज दी है, सभी RO की जितने भी हॉस्पिटल में हैं उनकी सर्विस करा दी है, सर्विस की डेट डलवा दी है उस पर। तो हमने सारा करंटली हम बिल्कुल अपडेट हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देख रहा हूँ, तो मेरी ये 21 कैमरे जो लग रहे हैं स्क्रीन में, मैं इन पे कंटिन्यू निगाह से देखता रहता हूँ। अगर कहीं मुझे लगता है गंदगी है या सफाई नहीं हुई है, तुरंत मैं नर्सिंग असिस्टेंट को बुला के वहाँ पे उनको सफाई करवाता हूँ। ठीक है, एडिशनल SMO इंचार्ज CSC शाहबाद।